वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज ज्योति सेठी. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हो तो थैंक यू सो वेरी मच. ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक मेकअप ट्यूटोरियल ऑब्वियसली, बट ये मेकअप ट्यूटोरियल एक ही ब्रांड का होने वाला है. यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ वो सारे के सारे एक ही ब्रांड से होने वाले हैं. और अगर मैं कोई एक ही ब्रांड मुझे चुनना हो ना कि ओके वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल के लिए कौन सा ब्रांड मैं चुनूं, तो यू गाइज नो दैट मैं शुगर को ही चुनूंगी, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स. यू गाइज नो आई हैव बीन यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, और इसीलिए जो ये वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है वो भी होने वाला है शुगर कॉस्मेटिक्स के साथ. ऑलराइट, जितने भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगी उनके सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप लोग आराम से उन प्रोडक्ट्स को खरीद सको. और मेरा डिस्काउंट कोड भी है एक शुगर कॉस्मेटिक्स पे, जो कि है ज्योति 5S. इफ यू आर बाइंग शुगर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स from their website or from their app, this coupon code will be very helpful for you. So yeah, इसी के साथ शुरू करते हैं Valentine's makeup look, guys. Yes, क्योंकि Valentine's आ रहा है तो मैंने सोचा उसी को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाई जाए. लेकिन ध्यान रहे कि ये मेकअप ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैलेंटाइन्स पे हो सकता है, आप इसको कभी भी स्पॉट कर सकते हो, फॉर अ रोमांटिक इवनिंग, फॉर ब्यूटिफुल नाइट आउट, एनीथिंग. ठीक है, ऑल्सो देर इज अ गिव अवे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, मेक श्योर टू पार्टिसिपेट. एंड या नाउ लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहले मैं करूंगी अपने फेस को इस एक्वाहॉलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर के साथ प्राइम भी और मॉइस्चराइज भी. यस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपका फेस मॉइस्चराइज तो होगा ही, साथ साथ प्राइमर भी लग जाएगा. तो सबसे पहले इसको अच्छे से अपने फेस पे लगाने के बाद आई एम गोना यूज दिस फाउंडेशन, जो कि है ड्रॉप द बेस सीरम. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना. और हर किसी प्रोडक्ट का शेड नंबर भी अगर कोई है तो मैं वो भी डाल दूंगी. थोड़ा बहुत फाउंडेशन अपने फेस पे लगा के मैं इसको इस वेट स्पॉन्ज की मदद से सारे में डैब डैब मोशन में लगा रही हूँ. उसके बाद ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं, मैजिक वॉन्ड. सबसे पहले ये है थोड़ा सा मेरी स्किन से मैच होता हुआ कंसीलर, इसका जो शेड है 45 कॉन पैना में है. इससे मैं कोई भी एक्ने मार्क्स या डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है फेस पे वो सब चीज़ें कवर करती हूँ. और फिर सेम स्पॉन्ज के साथ इसको भी मैं डैप डैप मोशन में ही ब्लेंड करती हूँ अपने फेस पे. मेक श्योर करिए कि कंसीलर को कभी भी आप ड्रैग करके मोशन में जो है ब्लेंड ना करें, इसको हमेशा डैब डैब मोशन में ही इस्तेमाल करें, जैसे इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ. अगर आप ड्रैग करोगे तो वो प्रोडक्ट जो है उस जगह से हट के दूसरी जगह चल जाएगा और उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, ये अच्छे से करने के बाद अब इसके बाद मैं एक और कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ. अब ये कंसीलर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, यानी कि जैसे कि आईज़ के नीचे, नोज़ के ब्रिज के ऊपर और लिप्स के ऊपर, ये जो क्यूपिड बो है, और फिर ये चिन पे और फोरहेड के मिडल में, इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए मैं एक लाइट कलर का, जो मेरे स्किन से 3-4 शेड लाइट कंसीलर है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इन एरियाज़ पे लगा रही हूँ. अब अगेन मैं एक बार और मेंशन कर दूँ कि इसको डैब डैब मोशन में तो लगाना ही है, साथ साथ जिस जिस एरिया में है ये प्रोडक्ट लगाया है उस एरिया तक ही आप अपनी स्पॉन्ज को भी चलाइए, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, नहीं तो फिर कंसीलर जो है सारे में लग जाएगा. अब मैं ये ले रही हूँ कॉम्पैक्ट शुगर का, और अब एक ड्राई मैंने स्पॉन्ज ली है जिसके ऊपर मैंने इसको लगा के जहाँ जहाँ पर स्पेशली मैंने कंसीलर लगाया था उन उन जगहों पे मैं ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ. अब हम करेंगे कॉन्टोर. कॉन्टोर मैं एक जो ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देखो कि मैं सारा ज़्यादातर मेकअप जो है इसी ब्रश से, एटलीस्ट फेस का मेकअप जो है वो सारा इसी से करूँगी. तो जो अपना जो फेस है उस पर स्ट्रक्चर वापस लाने के लिए आप कॉन्टोर करते हो, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह लगाने से आपके जो नेचुरल जो यू नो कर्व्स होते हैं फेस के, जो बोन्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हद तक गायब हो जाता है. तो इसलिए वापस उसको लाने के लिए और थोड़ा सा फेस को पतला करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है. अब उसी पैलेट में से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ब्लश एक, और काफ़ी
कम ले रही हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए. और क्योंकि इस लुक में हम रेड लिपस्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब भी रेड लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं ब्लश बहुत कम लगाती हूँ, नहीं तो फेस बहुत ही रेड और पिंक सा हो जाता है. अभी उसी ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट लगाया था उसको मैं एक तरीके से हटा रही हूँ. ठीक है, हटाने के बाद अब मैं हाईलाइटर ले रही हूँ उसी सेम ब्रश पे. जी हाँ, मैं बहुत सारे ब्रशेज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग भी आराम से इस मेकअप को कर पाओ. उसी ब्रश की मदद से मैं अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, वहाँ वहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस हाईलाइटर से. अब मैं ले रही हूँ नंबर वन फ्लॉलेस नाम की पैलेट शुगर की, और इसमें से ये रस्टी ऑरेंजिश कलर मैं ले रही हूँ. और एक फ्लफी ब्रश पे लेके इसको पहले मैं अपनी जो एंड ऑफ द आई है, जो आउटर कॉर्नर है, वहाँ पे पहले इसको प्लेस कर रही हूँ. प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ और बाहर की तरफ इस तरीके से निकाल रही हूँ. और जो थोड़ा बहुत बचा है उसी को मैं अंदर की तरफ भी लेके जा रही हूँ इस तरीके से. ठीक है, तो मेन जो आपका प्रोडक्ट जाएगा वो आउटर कॉर्नर पे जाएगा और बाकी जगहों पे आप इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दोगे. अभी दूसरी पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ एक थोड़ा सा ब्राउन कलर, और उसको मैं थोड़े बारीक ब्रश पे लेके अगेन सेम जगह पे प्लेस कर रही हूँ. लेकिन इस बार क्योंकि ब्रश पतला है और मैं खुद भी कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ सिर्फ क्रीज एरिया में, ना मैं क्रीज से ऊपर लेके जाऊँ ना मैं नीचे लेके जाऊँ, तो और नीचे जो लोअर लैश लाइन है उस पर भी मैं इसी कलर को इस्तेमाल कर रही हूँ. नाउ वी डन विद दैट. अब मैं ये इस तरीके से ये जो थोड़ा सैटिनी थोड़ा ग्लिटरी कलर है, ये भी रस्ट कलर ही है, उसको अपनी मिडिल फिंगर पे लेके मैंने अपनी बाकी की पूरी लिड पे लगा लिया है. और अब जो हमने बारीक ब्रश यूज़ किया था उस पर भी यही वाला लगा के मैं नीचे जो इनर कॉर्नर्स ऑफ द आई हैं वहाँ पे भी इसको लगा रही हूँ. अब बेस हमारा जो है वो फिनिश हो गया है. अब हम सबसे पहले इसको जो है सेट कर लेंगे, और इसके लिए मैं ये एक मेकअप स्प्रे है वो यूज़ कर रही हूँ. अब बढ़ेंगे आईब्रोज की तरफ. आईब्रोज में मैं ये बहुत ही मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये व्हेन इट कम्स टू आईब्रोज. मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ इसको. तो ये एक ब्राउ पाउडर है, तो इसको मैं अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ. एंड सेम आई एम डूइंग विद माय अदर आईब्रो ऑफकोर्स. एंड या वी आर डन. आप देख सकते हो दोनों में कितना मतलब चेंज आ जाता है आपकी लुक में ना, पूरा चेंज आ जाता है अच्छी आईब्रोज होने से. अगर अच्छी शेप में आप बना लो आईब्रोज को और थोड़ा भर लो उनको अच्छे से, जो भी गैप्स हैं उनको फिल कर लो. अब इस लुक के लिए मैं कर रही हूँ ये जेल आईलाइनर का इस्तेमाल. लिक्विड का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. ये बहुत ही सुंदर जेट ब्लैक कलर में एक जेल आईलाइनर है शुगर का. तो इस तरीके से मैं पहले एक आउटलाइन बना लेती हूँ जितना मुझे मोटा चाहिए, और उसके बाद इससे मैं फिल कर लेती हूँ. और जेल आईलाइनर को लगाने के लिए जिस ब्रश का मैं यूज़ करती हूँ वो एक, वैसे मैं एक पेंसिल जो बहुत ही बारीक वाला जो ड्राइंग वाला ब्रश होता है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं पसंद करती हूँ एंगल्ड ब्रश को यूज़ करना. नाउ वंस वी आर डन विद दैट, अब मैं, वैसे हाईलाइट हम कर चुके थे बट ये जेली हाईलाइटर इनका बहुत ही बढ़िया है, मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ज़्यादा ड्यूई फिनिश के लिए. और यू नो अब लैशेस मैंने ऑफ द कैमरा लगा ली हैं. अब वैसे मस्कारा मैं यूज़ करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने फॉल्सीज़ यूज़ किए हैं, बट स्टिल दोनों को आपस में थोड़ा सा और नेचुरल लुक के लिए, दोनों को आपस में मिलाने के लिए थोड़े बहुत मस्कारा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. और नीचे तो हम अच्छे से लगाएंगे क्योंकि नीचे फॉल्सीज़ नहीं हैं. एंड या दिस इज़ इट. अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है एक तरीके से लास्ट स्टेप, वो है लिपस्टिक. लिप लाइनर से पहले मैं अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ. आपको कितनी भी अच्छी लिपस्टिक लगानी आती हो लेकिन आप अपने लिप्स को अगर लाइन करोगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो और ज़्यादा अच्छा आएगा. अब ये मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है रेड जैपलिन नाम की. दिस इज़ माई फेवरेट फेवरेट रेड. अगर कभी रेड लिपस्टिक एकदम से बोल्ड वाली लगानी होती तो मैं यही लगाती हूँ. सो जो हमने लिप्स लाइन किए थे उसके अंदर मैं इसको आराम से भर दूंगी. बट हाँ, एक बार हाईलाइटर अगर आप एंड में एक टच के लिए दोबारा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आईज़ के कॉर्नर्स रह गए थे तो आईज़ के कॉर्नर्स में लगा रही हूँ. और जो आईब्रोज़ के नीचे ये वाली जो एरिया होती है इस पे भी लगाओगे तो एकदम आँखें बहुत उठ जाती हैं, खुल जाती हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है. अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप मान लो कि रेड लिपस्टिक जो भी होती है, जो रेड्स होते हैं उनके बहुत बड़े फैन नहीं हो, तो दिस लुक, मतलब ये जो आई लुक है, ये इजीली किसी यू नो प्लम शेड या न्यूट पिंक या न्यूट ब्राउन ऐसे कलर की लिपस्टिक्स के साथ भी बहुत अच्छी जाएगी. सो यू कैन ट्राई दोज ऑल्सो अगर आपके पास ऑलरेडी हैं, एंड इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ रेड लिपस्टिक्स. सो या दिस इज इट गाइज.
that you guys enjoyed this look. I tried to keep it very simple, very elegant and very classy, and I think it's a very very simple and easy look. Anybody can achieve it. So yeah, now moving on to the giveaway. So this giveaway is worth ₹10,000 and 5 lucky winners can stand the chance to win sugar goodies worth ₹2,000 each. All you have to do is like this video, share this video, subscribe to my channel and Sugar Cosmetics ka YouTube channel. The link is in the description box below. And you have to mention your Insta handle or your email ID in the comment section below. The name of those 5 lucky winners will be announced on 25th of Feb in the comments below. And yeah, this is it. I really hope that you guys enjoyed this video. I'm going to see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care, guys.